हाँ जी असी पहुँच गए हैं जी पॉलिटी दे पार्ट नंबर 13। 600 क्वेश्चन असी पिछलियां वीडियो दे विच डिस्कस कर चुके हैं। 600 तो भी ज़्यादा सवाल एक वीडियो दे विच अपन डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन दे विच तीन तीन चार चार क्वेश्चन असी होर भी डिस्कस कर लैंदे हैं। 1500 प्लस क्वेश्चन की जिहड़ी अपनी सीरीज़ है वो चल रही है, जिहदे विच 3000 तो ज़्यादा क्वेश्चन असी डिस्कस किए हैं, तो प्लेलिस्ट उहदी बनी हुई है, जाके चैक कर सकते हो। मास्टर केडर SST और मास्टर ग्रेडर पंजाबी दे प्रीवियस ईयर दे पेपर दोनों वो भी सॉल्व करके अपने पाए हुए ने, वो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। पेपर देने तो पहला एक बार वो पेपर तुसी जरूर लाजमी मतलब देखने हैं जी, ठीक है जी। कोई भी पेपर देने तो पहला उहदा पुराना पेपर पढ़ना बड़ा लाजमी हुंदा जी। सो अपना टैलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से दिता हुआ, उन्हें जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इन PDF दे जो आप टेस्ट वगैरह लैने जो भी पढ़ते हैं, ठीक है, वह टैलीग्राम ग्रुप के ही हों, जरूरी मैसेज थोड़े तक जरूरी कोई भी चीज़ सेंड करनी है तो टैलीग्राम ग्रुप के नाल दी नाल कीती जा सकती है, ठीक है जी। और टैलीग्राम ग्रुप का एक यही फायदा है कि अज तुम ज्वाइन करते हो तो अज तो महीना पहला भी जी चीज़ टैलीग्राम ग्रुप से पाई गई है वह भी तुम्हें शो होगी जी, वह भी तुम डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है जी। सो प्लेलिस्टा बनिया हुई ने सारिया, तो वह तुम वीडियो देख सकते हो। सो आप अगे चलते हैं जी। उस तो पहला मैं तुम्हें दसदा कि अगर तुम PDF अपना पेड ग्रुप के ज्वाइन होना चाहते हो तो तुम्हें कोई भी PDF वगैरह लिखण की लड़ नहीं है जी, लिखण टाइम वेस्ट करने की लड़ नहीं है। WhatsApp नंबर डिस्क्रिप्शन दिता हुआ है, ठीक है जी, तो उ जाके WhatsApp से नंबर मैं मैसेज कर दौ तो PDF भी मिल जाएगियाँ, पॉलिटी दियाँ भी हिस्टरी दियाँ भी। ओके जी, जिहड़ा मटीरियल है जी मेरा टाइप किया पे पर पढ़ाने का समा नहीं लग्या वो भी मटीरियल तुम्हें मिल जाएगा। पंजाब के सारे पेपर के लिए ये वीडियो जरूरी है, क्योंकि पॉलिटी हर एक पेपर का हिस्सा। ओके जी, सारे ने मतलब लिखण के चक्कर च नहीं पैना, समय की बचत करनी है। सो आप चलते हैं जी अपने वीडियो के वल। हाँ जी, अपना पहला क्वेश्चन है जी इस वीडियो का कि समुचे भारत विच्चों मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली इस्त्री कौन सी जी, कौन सी जी? सुचेता कृपलानी, ठीक है। अगर पंजाब की पुछे तो कौन है जी? रजिंदर कौर पठल, पिछली वीडियो अभी डिस्कस किया गा। अगला क्वेश्चन है जी, ममता बैनर्जी का संबंध किस राज दे नाल है? इन्हों का संबंध है जी पछमी बंगाल दे नाल, ठीक है जी। जयललिता किस राज तो सी? किस राज तो ने? तमिलनाडु, तो पिछले मास्टर केडर दे विच आया भी है, ठीक है जी। इस करके बाकी सवाल ऐड किए ने नाल दे कि कोई होर इस तरह का सवाल भी पूछा जा सकता। अगला क्वेश्चन है जी, मायावती किस राज की मुख्यमंत्री सी? किस राज की मुख्यमंत्री सी? सारयां नूं पता होना उत्तर प्रदेश, ठीक है जी। किहड़ी पार्टी नाल संबंधित है मायावती, कमेंट करके दस्सियो किहड़ी पार्टी दे नाल संबंधित है। सो अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की पहली इस्त्री मुख्यमंत्री का नाम दसो कौन है जी? दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, ठीक है जी। अगे आ गए जी, किस एक्ट के तहत कलकत्ते विच सब तो पहली सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई? देखो ये पिछली वीडियो के विच भी पढ़ाया सी, इहदे नाल जुड़िया एक फैक्ट भी तुहानू दस्सिया सी, इस वीडियो भी दस दें। ये एक्ट सीगा जी 1773 का रेगूलेटिंग एक्ट, ठीक है। 1773 का रेगूलेटिंग एक्ट सी, पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 के की गई है, ठीक है। अगर एक्ट पूछा जिमें सवाल एक्ट पूछा, एक्ट 1773 का, पर सुप्रीम कोर्ट की पहली बार स्थापना 1774 की गई है जी, ठीक है। और किहड़े गवर्नर जनरल के समय की गई है जी, ये भी तुसीं दसोंगे। अगे आ गया जी, गवर्नर कौन सी मतलब उदों, ते कलकत्ते विच सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कदों हुई? आ गया जी, उही सवाल आ गया ना, देखो जिहड़ा तुहानू दस के हटे आ 1774 दे विच हुई है, ठीक है, 1774 दे विच। अगला आ गया, भारतीय संविधान के किहड़े भाग विच सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई है? किहड़े भाग दे विच सुप्रीम कोर्ट बारे दस्सिया गया जी? भाग 5वां। अगला क्वेश्चन है जी, भारतीय संविधान का आर्टिकल 124 तो 147 किहदे नाल संबंधित है? ये संबंधित है जी सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था नाल। आर्टिकल 124 1
ये दसदा कि भारत दे विच एक सुप्रीम कोर्ट होगी। ठीक है, अगे आ गया जी आजाद भारत का पहला मुख जज कौन सी, कौन सी जी? एच जे कानिया। एच जे कानिया कौन है? हीरा लाल जे कानिया। ठीक है जी, मास्टर किट दे विच आया हुआ सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल ही डिस्कस कर रहे हैं आप सारे। ठीक है ना, बेकार सवाल कोई भी नहीं ऐड किया गया। अगे आ गया जी एच जे कानिया तो बाद सुप्रीम कोर्ट का दूजा मुख जज कौन सी। देखो ये भी इंपोर्टेंट सवाल है, पहले जज का अक्सर यही पढ़ लें कि पहले पहले मुख्यमंत्री पहले पहले राष्ट्रपति साढ़े याद ही होंगे ने तकरीबन, हुण दूजा कौन है इतने पूछ लिया भी, दूजा भी सानू पता होना चाहिए जी। दूजा कौन सीगा जी? पतंजलि शास्त्री। ठीक है जी, अगे आ गए 612 नंबर क्वेश्चन से, भारत में पहली सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कदों किया गया सी? हुण इत्थे तुसी 1774 वाला नहीं लभना। ठीक है, क्योंकि भारत में पहली सुप्रीम कोर्ट की गल आ गई वह सी जी ब्रिटिश भारत की गल सी, जिहड़ा पिछे यही क्वेश्चन पढ़िया ना 1773 वाला रेगुलेटिंग एक्ट, वह ब्रिटिश भारत की गल सी। हुण साडे आजाद भारत की गल आ गई भी पहली सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कदों किया गया, कदों किया गया जी? कदों किया गया? मैं पिछली वीडियो के भी दस्या सी, कमेंट करके तुसीं इहदा उत्तर दसोगे। ठीक है जी, मैं पेन कर दूंगा हेठां कमेंट के पेन कर दूँ इस क्वेश्चन का आंसर। जिहड़े पहली वीडियो जो डिस्कस करे होंगे उस सवाल तो तुहानूं याद होने चाहिए ने। ठीक है, जिहड़े वीडियो देखते आ रहे हो। अगला क्वेश्चन है जी, भारत में अकैरी न्याय प्रणाली का संकल्प किस तों लिया गया? ठीक है, अकैरी न्याय प्रणाली कित्थों ली गई है जी? भारत सरकार एक्ट 1935 तो। यह पूछ लिया संविधान का ज़्यादातर हिस्सा किहड़े एक्ट तो लिया गया? भारत सरकार एक्ट 1935 तो लिया गया जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज और दूजे जजा की नियुक्ति कौन करता है जी? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है जी। अगला गया, वर्तमान समय सुप्रीम कोर्ट के जजा की गिणती किन्नी है, किन्नी संख्या जी वर्तमान समय? वर्तमान समय जजा की गिणती किन्नी है, कमेंट करके दसो। जिहड़ा जिहड़ा सवाल तुहानूं पुछ रहे हैं ये मैं कमेंट के पिन करूँगा। ठीक है, इहनूं कमेंट के पिन करूँगा, उन्हां तुसीं वीडियो नूं पॉज करके वीडियो नूं इहदा जवाब देने का कोशिश भी करिया करो। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है जी, सुप्रीम कोर्ट के जजा की आरंभिक संख्या किन्नी सी, किन्नी संख्या सी शुरू के आरंभिक संख्या? वन प्लस सैवन, यानी कि एक मुख जज और सत्त होर जज। अगला आ गया जी, सर्वोच्च अदालत का मुख जज अपना त्याग पत्र किसनों सौंपता है? राष्ट्रपति नूं सौंपता है जी। अगला क्वेश्चन है जी, वर्तमान समय सर्वोच्च अदालत के मुख जज नूं प्रति महीने किन्नी तनखाह दिती जाती है? किन्नी तनखाह दिती जाती है जी? 280,000। अगला आ गया, वर्तमान समय सर्वोच्च अदालत के जजा प्रति महीना किन्नी तनखाह दिती जाती है? ये सवाल थोड़ा जहा फर्क आ, ध्यान रखना कि कह लो भी उही सवाल रिपीट हो गया। थोड़ा मैं दसदा ना भी एक वर्ड ही नवा ऐड होने ना सवाल के अर्थ बदल जाते हैं। इतने मुख जज की तनखाह पूछा, इतने सर्वोच्च अदालत के जजा की तनखाह पूछी। ठीक है, जेडे होर जज होंगे ने उन्हों की तनखाह कि इन्हों की 2.5 लाख है जी। अगे आ गया जी, इतने एक जीरो मिस है। ठीक है, 2.5 लाख तनखाह होंगी है जी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय भारत का मुख्य जज कौन है? ऑप्शन दे विच तां है नहीं, हुणे भारत दे जज बने ने, किन्नवे नंबर दे जी? 49। उन्हां ते आपां स्पैशल वीडियो बनाई है, जिन्हें ने वो वीडियो नहीं देखी सुप्रीम कोर्ट बारे सारा डिस्कस किया, उहदे च आपां ते भारत दे नवें बने चीफ जस्टिस बारे डिस्कस किया। ठीक है, उन्होंने उहदा लिंक डिस्क्रिप्शन भी मैं दे देना, प्लेलिस्ट भी जे जाके भी तुसीं देख सकते हो। वो वीडियो बहुत इंपोर्टेंट आ, पेपर जाने तो पहला सारे लिए देखना वो जरूरी है, वो वीडियो नूं देखना। ठीक है जी, तुहानूं अपने आप का जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी, हुण तक सर्वोच्च अदालत के मुख्य जजा महादोष के मुकदमे द्वारा उहदे तो वख किया गया है, किन्नियां नूं वख किया गया जी?
कोई भी नहीं। एक बारी नौबत जरूर आ गई सी महादोष लगन की, पर वो घड़ी टल गई। ठीक है, वो महादोष का प्रस्ताव आ जिहड़ा पेश तो करता सी पर पास नहीं हो सकया। ओके, इस करके कोई भी जज है जिहड़ा जिहदे विरुद्ध किसी विरुद्ध महादोष लगा के उहनू उहदे तों हटाया नहीं गया। भारत की सर्वोच्च अदालत कित्थे है? कित्थे है जी? दिल्ली दे विच है। अगला क्वेश्चन है जी, भारतीय संविधान का आर्टिकल 124 संबंधित है? देखो मास्टर किट के पुछा हुआ सवाल है, सारे ये नाल दे मिले जुले सवाल ही आप डिस्कस कर रहे हैं जिहड़े इस बार तुहानू पुछे जा सकते ने। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना नाल संबंधित है तुहानू दस के हटे। ठीक है जी, 124 तो आर्टिकल 147 तक सारे सुप्रीम कोर्ट के नाल संबंधित ने। सुप्रीम कोर्ट के किन्ने जजा ते महादोष लग चुका है? किन्नां ते लग चुका जी? किसी ते भी नहीं। ठीक है, टलगी घड़ी तुहानू दस्सिया सी भी नौबत आ गई सी पर पास नहीं सी होया प्रस्ताव। भारतीय संविधान का रक्षक किसू मनिया जाता है? सर्वोच्च अदालत को मनिया जाता है जी। जे भारतीय संविधान का सरप्रस्त पुछ लिया किनू मनिया जाता, वह भी सर्वोच्च अदालत को सुप्रीम कोर्ट को मनिया जाता है। अगला क्वेश्चन है जी, संविधान की व्याख्या करन का अंतम अधिकार किस कोल हुंदा जी? यह भी किहदे कोल हुंदा जी? सर्वोच्च अदालत दे कोल। यह आपां सुप्रीम कोर्ट वाली वीडियो दे विच स्पैशल डिस्कस किए हुए हैं सवाल। सुप्रीम कोर्ट दे जजां दी गिणती वधाउण दी शक्ति केवल संसद कोल आ। ठीक है जी, केवल संसद कोल। आजाद भारत दी पहली महिला जज दा नाम दसो, फातिमा बीबी। ठीक है, पहली महिला जज आजाद भारत दी पहली महिला जज आ फातिमा बीबी। सो अगला क्वेश्चन आ गया जी, कदों किसी कारण सर्वोच्च अदालत दे मुख्य जज दी पदवी खाली हो जावे? जदों किसी कारण भी। ठीक है, तो मुख्य जज का उहदा कौन संभालदा? उदों सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज हुंदा जिहड़ा दा। हाँ, सर्वोच्च अदालत दे मुख्य जज की पदवी खाली हो गई। ठीक है, ये पदवी खाली हो गई आह सर्वोच्च अदालत की, तो फिर यदा उहदा कौन संभालूगा? उदों कौन संभालूगा जी? हाँ सॉरी, ये नहीं, ये पदवी नहीं, इसे सर्वोच्च अदालत के मुख्य जज की पदवी खाली करने बारे गल कही है। जो मुख्य जज की पदवी खाली हो तो सुप्रीम कोर्ट का जिहड़ा सीनियर जज होगा उही दी पदवी संभालूगा। ठीक है जी। अच्छा, जे राष्ट्रपति की पदवी खाली हो जाए फिर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज, जे राष्ट्रपति का पद खाली हो। ठीक है, उप राष्ट्रपति भी ना हो, दोनों गैर हाजिर हो। ठीक है, पद खाली पिया हो सर्वोच्च अदालत का मुख्य जज है जिहड़ा, वो राष्ट्रपति का कार्यकार संभालूगा। ठीक है जी, 6 महीने के लिए संभाल सकता, वो तो वह 6 महीने के बिच राष्ट्रपति को चुनना जरूरी होगा। ये भी तुहानू मैं पहले वाली वीडियो के दस्या होया। तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लई योग्यता मां इह डिस्कस कर लेना जी। व्यक्ति भारत का नागरिक होवे, घट्टो घट 5 साल हाई कोर्ट का जज रह चुका होवे, जां फिर उन्हें 10 साल तक हाई कोर्ट च वकालत की होवे, राष्ट्रपति दी नज़रां विच उगा कानून दान मतलब कानून का ज्ञाता होवे। ठीक है, कानून का ज्ञानवान होवे। उपरोक्त सारे साडा राइट आंसर बन गया। असा एक गल ध्यान रखनी है कि अगर वो घट हाई सुप्रीम कोर्ट के जज बनने लई योग्यता पुछी गई है, तो अगर जज रह चुका होवे तां घट्टो घट 5 साल। ठीक है, हाई कोर्ट का जज 5 साल रहा हो, पर जो उन्हें वकालत की हो वकालत 10 साल की हो, गल याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है जी, सर्वोच्च अदालत का जज किन्ने साल तक अपने अहदे ते विराजमान रह सकता? 65 साल तक। देखो मैं तुम्हें 4 ऑप्शन नहीं पढ़ के सुना रहा ता कि अपना समा ना वेस्ट हो। ठीक है ना, अपन ये कला व्यूज तक मतलब नहीं, वीडियो लम्मा कर तक मतलब नहीं, अपन ये भी घट समय के ज़्यादा तो ज़्यादा मटीरियल थोड़े तक पहुँचे, पढ़ के तुम फायदा लै सको। ठीक है ना, 4 ऑप्शन आप उस सवाल दी पढ़ा जिहड़े सवाल दी ऑप्शन पढ़ने की लोड़ होगी। अगला क्वेश्चन है जी, सर्वोच्च अदालत के जजा उहदे तो वक्ख करन दा अधिकार किहदे कोल है? किहदे कोल है जी? उहदे तो वक्ख करन दा अधिकार संसद कोल है जी। सर्वोच्च अदालत के जजा हटाने की प्रक्रिया भी उही है जिहड़ी राष्ट्रपति हटाने की है, किहड़ी महादोष लगा के। ठीक है, तो पर किन्ने दिन पहला दसना जरूरी है? 14 दिन। राष्ट्रपति को भी 14 दिन पहला सूचित किया जाएगा महादोष लाने तो। ठीक है, तो सर्वोच्च अदालत के जज न भी। ओके, इन गलों तुम इन जुड़िया याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है जी, भारतीय सर्वोच्च अदालत के किहड़े जज के विरुद्ध महादोष का मुकदमा शुरू किया गया ही पर लोकसभा पास ना हो सकया? बहुत ही घेंट सवाल आ गया। ठीक है, मैं तुम्हें दस के हटिया ना
भी एक बार नौबत आ गई सी पर वो प्रस्ताव आ जिहड़ा लोक सभा विच पास नहीं सी हो सकिया। इत्थे इन्हां ने पुछ लिया कि कौन आ वो, ये ने जी वी रामा स्वामी। ठीक है, ये सवाल पेपर दे विच आउण दी बहुत संभावना है क्योंकि इको एक ही जज ने जिन्हां दे विरुद्ध ये गल हो गई सी पर सफल नहीं हो सकिया प्रस्ताव वो। ठीक है ना, लोक सभा च पास नहीं होया इस करके हजे तक किसी भी जज सर्वोच्च अदालत के जज से महादोष नहीं लगाया गया। अगला आ गया जी, भारत के मुख जज और दूजे जजा तनखा कितों दिती जाती है, कितों दिती जाती है जी? भारत के संचित निधि फंड के विचों। ठीक है, संचित निधि फंड की है मैं तुम्हें पिछली वीडियो के भी पढ़ाया हुआ। ठीक है, संचित निधि फंड के जिद सरकार इनकम होंगी जितों सारे टैक्स लगते ना अपना जदों सवेरे उठ खड़ते हैं चाह पीण तो लैके शाम तक टैक्स ही देई जाने अं टैक्स देना शुरू कर देने सवेर तो शाम तक। ठीक है, हर चीज़ पर टैक्स लगता जिनी टैक्स तो इन सारी इनकम होंगी सरकार होंगी है जिन्हें सरकार ने करजे देते हुए ने। ठीक है, करजिया के ब्याज तो जी इनकम होंगी सारा ब्याज जमा करते वो सारा संचित निधि फंड जमा होंगे तो मुख जजा इन्होंने सारे तनखा उस फंड चो दिती जाती है। तो गलती नाल राज संचित निधि फंड क्लिक नहीं करना। ठीक है ना, भारत का संचित निधि फंड क्वेश्चन ध्यान ना पढ़ना, चारे ऑप्शन ध्यान ना पढ़ना। पहला पॉइंट तो यही है पेपर को हल कर सही तरीके के पहला क्वेश्चन ध्यान ना पढ़ना पूरा, फिर चारे ऑप्शन पढ़ने ने। कई बार ऐ हों भी आ पहले नंबर की ब्याह भी ला दे टके नहीं। ठीक है, इस वजह साड़ी जल्दबाजी वजह नाल असी एक दो नंबर तो हाथ धो तो बैठते हैं जिहड़ा मुड़ के पछतावे का कारण बन जाता यही नंबर सानू लैके बह जाते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी भी संविधानक केस लई किन्ने जजां दा बैच होना जरूरी है? पंज। ठीक है जी, संविधानक केस आ गया कोई तो पंज जजां की बैठक होगी। ठीक है, बैच पंज जजां का जिहड़ा मुकदमा सुनूगा करूगा। किसी भी सधारण मुकदमे के बैच में घट्टो घट किन्ने जज होने चाहिए? नॉर्मल की गल कर रही है जी, इन्हें नॉर्मल तो तीन जज चल सकते हैं पर जो कोई संविधानक मामला गा ठीक है मुकदमा फिर पांच जज हो जी। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट के मौलिक अधिकार खेत्र केड़े केड़े मुकदमे शामिल ने? इहदियां असीं सारियां ऑप्शनां पढ़ांगे। भारत सरकार अते एक जां एक तों वध राज्यां दे आपसी झगड़े। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का मौलिक अधिकार खेत्र है ये, अजिहे झगड़े जिन्हां विच भारत सरकार ते कुछ राज एक पासे होण ते दूजे राज एक पासे होण उत्थे भी सुप्रीम कोर्ट ठीक है फैसला दो करूगी। दो जां दो तों वध राज्यां दे आपसी झगड़े उत्थे भी सुप्रीम कोर्ट, ये मौलिक अधिकार खेत्र किहदा गा? सुप्रीम कोर्ट का। उपरोक्त सारे साडा राइट आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन है जी, संविधान के तीजे भाग में अंकित मौलिक अधिकारों की राखी कौन करता है? कौन करता है जी मौलिक अधिकारों की राखी कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। अच्छा जी, हेठां दित्ते विचों कहिंदे किहड़े झगड़े सुप्रीम कोर्ट के आरंभिक अधिकार खेत्र विच नहीं आउंदे? उपर तो आप देख लिया भी मौलिक अधिकार खेत्र जिहड़े आउंदे आ सुप्रीम कोर्ट के, हुण इत्थे इन्हां ने नहीं पुछ लिया। बहुत सवालों च पेपर विच नहीं पूछा जाता भी ये किहड़ी चीज़ है नहीं है। ठीक है, पर असी जल्दबाजी नाल क्वेश्चन पढ़न करके सानू नहीं नज़र ही नहीं आता, नहीं पता कदों नज़र आता फिर पेपर तो जो करके बाहर आ जाने फिर असी मत्थे ते हत्थ मारदे भी तो नहीं पूछा सी भी किहड़ा नहीं है जां फिर घरे आ के नहीं नज़र आता पेपर च नहीं नज़र आता। इस करके ध्यान नाल सवाल पढ़ना, मैं तुहानू बार बार यही गल कहना। ठीक है जी, दोबारा सवाल पढ़ते हैं, हेठां दित्तियां विचों किहड़े झगड़े सुप्रीम कोर्ट के आरंभिक अधिकार खेत्र विच नहीं आउंदे? किहड़े किहड़े नहीं आउंदे जी? अंतरराज्जी नदियां दे पाणियां दी वंड संबंधी झगड़े, वख-वख राज्यां दे राजनीतिक झगड़े, अजिहियां संधियां संबंधी झगड़े जो संविधान के लागू होण ते तों पहलां कीतियां गईआं। ठीक है, उपरोक्त सारे साडा राइट आंसर बनदा जी इत्थे। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है जी, संविधान की धारा 32 अनुसार किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की उलंघना होंगी है तो किसकी शरण ले सकता, किसकी शरण ले सकता है मौलिक अधिकारों की उलंघना होंगी है किसी व्यक्ति की? फिर वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खड़का सकता है जी। ठीक है, आर्टिकल 32 गल कहिंदा है देश की सर्वोच्च कानून दी सुरक्षा का कार्य किस दे सपुरद किया गया?
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਿਹਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੀ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪੀਲਾਂ, ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪੀਲਾਂ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪੀਲਾਂ, ਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 143 ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਆਰਟੀਕਲ 143 ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ 1973 ਦੇ ਕੇਸਵਾ ਆਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਊਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਕਨਾਥ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਰੇ, ਕੇਸਵਾ ਆਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਰੇ, ਮਿਲਵਾ ਮਿਲ ਕੇਸ ਬਾਰੇ, LIC ਕੇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੋਪਿਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਓਕੇ, ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਆਰਟੀਕਲ 138 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਰਾਹੀਂ? 138 ਦੇ ਅਧੀਨ, ਅਤੇ 138 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਗਿਆ ਜੀ? ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਸੰਘੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਆਇਕ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ? ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਆਇਕ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਮਾਰਵਰੀ ਬਨਾਮ ਮੈਡੀਸਨ ਕੇਸ 1803 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਮਾਰਵਰੀ ਬਨਾਮ ਮੈਡੀਸਨ ਕੇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਰਵਰੀ ਬਨਾਮ ਮੈਡੀਸਨ ਕੇਸ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਜਾਨ ਮਾਰਸਲ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਨਿਆਇਕ ਪੁਨਰੀਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਨਿਆਇਕ ਪੁਨਰੀਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ? 226 ਵੀ ਕਰਦਾ, 227 ਵੀ ਕਰਦਾ, 32 ਵੀ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਆਇਕ ਪੁਨਰੀਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਟੋਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਆਰਟੀਕਲ 131 ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 133 ਹੈ ਜੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 134 ਹੈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, 143 ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 143 ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? 132। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, 1951 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 1951 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਹੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗਾ 9ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਨਾ 9ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੇਸ਼ਵ ਆਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੱਜ ਕੌਣ ਸੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜੀ ਐਸ ਐਨ ਸੀਕਰੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 214 124 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਉਲਟ ਕਰ ਦਈਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਏਕਾ ਚੱਕ ਕੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਾ ਦਈਏ 214 ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਹੈ 124 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਐਸ ਸੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਇਹ ਐਚ ਸੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੋਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 231 ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਰਾਜਾਂ ਅਸਾਮ ਮਣੀਪੁਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਮੇਘਾਲਿਆ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆ ਦੇਖੋ 7 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 231 ਨੰਬਰ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 1 ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ 7 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆ ਜੇ ਆ ਰਾਜ ਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 7 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਸਾਂਝੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਸਾਮ ਮਣੀਪੁਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਮੇਘਾਲਿਆ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਥਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਨੇ ਅਗਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਗੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਊੜਾ ਅਤੇ ਆੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਊ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲਊ ਪਰ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੂਗਾ ਕੌਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 1 ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਬਣਨਾ ਉਹਨੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਕੀਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ੇਦ 217 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ 62 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ 65 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ
ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਹੋਈ? 1875 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜੱਜ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜੱਜ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਮੰਨੂਗਾ ਹੀ ਮੰਨੂਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਲਈ? ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵੀ ਮੰਨੂਗਾ, ਇਕੱਲੇ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨੂਗਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਾ, ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 21। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਹਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ? ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਵੀ, ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਸੋਰੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਬਣੂਗਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਨ ਲਈ ਬਤੌਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜੀ? 10 ਸਾਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੱਸ ਕਿਹੜੇ ਨਾ, 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਨਾ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ? ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ MCQ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿੱਤੇ? ਇਹ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀ ਫੰਡ 'ਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀ ਫੰਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਰਾਜ ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਊ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਹੋਣਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਇਸੇ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 7 ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਹੈ? ਘੈਂਟ ਸਵਾਲ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਹੁਣੀ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ, ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 7 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ 'ਚ ਹੈ ਜੀ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੋਰੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਪਿਛਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਸੋਰੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਟਿੱਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਹਾਈ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੋਲਕਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, 1773 ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ 1774 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਣੀ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ? ਕਲਕੱਤੇ 'ਚ ਹੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ, ਕੋਲਕਾਤਾ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਦਾਲਤ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨਾ, ਸੋਰੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਤੇ ਪਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਹੀ ਹੈ, ਕੋਲਕਾਤਾ।
अगला क्वेश्चन है जी, पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट का वर्तमान समय मुख्य जज कौन है? रवि शंकर झा। अगला जी, पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट का सब तो पहला मुख्य जज कौन सी? देखो ये भी इंपोर्टेंट सवाल है, A.N. भंडारी। ओके जी, अगला सवाल है, उच्च अदालत के कार्य खेत्र किस द्वारा बढ़ाया जा सकता है? उच्च अदालत के कार्य खेत्र किदे द्वारा बढ़ाया जा सकता है? जी संसद द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका की प्रकृति किहो जिही है? किहो जी प्रकृति है? जी अकैरी। ठीक है, उपर ही पढ़ के हटेंगे भी अकैरी न्याय प्रणाली ली गई है, कितों ली गई है? अमेरिका तो। ठीक है जी, अगला आ गया जी, अंडेमान ते निकोबार द्वीप समूह किहड़े उच्च अदालत के अधिकार खेत्र में आता है? लो उही सवाल आ गया जिहड़ा तुहानू मैं पुछ के हटिया पहला, उही सवाल आ गया। इस सवाल के आने की बहुत संभावना है, कलकत्ता हाई कोर्ट है जी, इंपोर्टेंट सवाल है ये। अंडेमान ते निकोबार द्वीप समूह किहड़े उच्च अदालत के अधिकार खेत्र में आता है? कलकत्ता। अगला आ गया जी, कहिंदे हेठ दित्तियां विच अजिही उच्च अदालत चुनो जिसका अधिकार खेत्र सिर्फ एक राज तक ही सीमित है, जिहदा एक राज तक ही सीमित है, यही हुणी पढ़ के हटिया, शिमला सिर्फ हिमाचल प्रदेश नाल संबंधित है जी। अगला आ गया जी, हेठां दित्तियां विच अजिही उच्च अदालत चुनो जिसका अधिकार खेत्र दो जां दो तों वध राजां नाल है, किहड़ी है जी? ये मुंबई। ठीक है, दो तो वध राजां नाल मुंबई हाई कोर्ट आ जिहड़ी संबंधित है। अगला क्वेश्चन है जी, 1862 इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 के अधीन किहड़ियां तीन उच्च अदालतों की व्यवस्था की गई? बंबई की भी की गई, कलकत्ता दे विच की गई, मद्रास दे विच की गई। जिहड़ा आपां पिछे डिस्कस करके आ रहे हैं 1773 दे विच उह सुप्रीम कोर्ट बनी सी। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट बनी सी, उह हाई कोर्ट नहीं सी। हाई कोर्ट जिहड़ी बनाई गई है कलकत्ता दे विच उह 1862 दे विच बनी सी। एक्ट किहड़ा सीगा? आह, इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 उपलेखा लग गया, उहदे विच सुप्रीम कोर्ट 1773 दे एक्ट राहीं बनी सी। कलकत्ता दे विच बनी सी 1774 दे विच। ठीक है, जे हाई कोर्ट पुछया गा तां कलकत्ता हाई कोर्ट से 1862 विच बनी है। ठीक है ना, बंबई भी 62 विच बनी है, मद्रास हाई कोर्ट भी 62 दे विच बनी है। किहड़े एक्ट राहीं बनिया ने? इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861। अगला जी, पंजाब हाई कोर्ट का नाम बदल के पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट कदों रखा गया? बड़ा इंपोर्टेंट सवाल है जी, देखो पेपर के पक्ष तो सारे घेंट सवाल डिस्कस कर रहे हैं असी। 1970 दे विच इहदा नाम बदल के किया गया सीगा, पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट रख दिता गया। अगला जी, हाई कोर्ट के अधीन अदालतों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद मिलता है? हाई कोर्ट के अधीन अदालतें ने जिहड़ियां है ना, किहड़े अनुच्छेद उहदा जिक्र मिलता? हाई कोर्ट के अधीन जिहड़ियां सैशन वालियां अपने जिथे जिले वालियां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, यह सारिया हाई कोर्ट के अधीन ही आ गई। यह किहड़े अनुच्छेद दे विच उहदा जिक्र मिलता है? 233 to 237 तक। अगला क्वेश्चन है, जिला पद्धर से जजा की नियुक्ति कौन करता है? जिले पद्धर से हूँ हेठां नूं आ गए असीं। ठीक है, राजपाल हाई कोर्ट की सलाह नाल। ठीक है, संबंधित हाई कोर्ट की सलाह नाल जजा की वो नियुक्ति करता जिला पद्धर से। जिला जज बनने लई व्यक्ति किहड़ियां योग्यतावां का धारनी होना चाहिए है? किहड़ियां योग्यतावां का धारनी होना चाहिए जी व्यक्ति? वो केंद्र जां राज सरकार अधीन कोई लाभकारी पद ते ना होवे, सही है। 7 साल का बतौर वकील का तजर्बा वह हो, यह भी गल सही है। हाई कोर्ट उसके नाँ की पुष्टि करता हो, भी गल सही है। प्रोक सारे साडा राइट आंसर बन गया जी। अगला क्वेश्चन है जी, जिला अदालत के दूजे जजा की नियुक्ति करने समय गवर्नर किस अजोग तो सलाह लै सकता? जिला जजा की नियुक्ति करनी है दूजे जजा होर जजा की, गवर्नर किहड़े जोग की सलाह लै सकदा? उदों राज लोक सेवा आयोग की। अगला क्वेश्चन है जी, अधीन अदालत किस दे अधीन काम करनगियां? किहदे अधीन काम करनगियां जी? हाई कोर्ट दे। अगला क्वेश्चन, लोक अदालतों का बानी किसनूं कहा जांदा है? किसनूं कहा जांदा है? P.N. भगवती। ठीक है, अगे आ गया जी, सब तो
पहली लोक अदालत किस राज विच कायम की गई? सब तो पहली लोक अदालत, ये भी इंपोर्टेंट सवाल है जी। सारे इंपोर्टेंट सवाल ही आप डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ध्यान वीडियो में देखना जी। गुजरात, गुजरात के सब तो पहली लोक अदालत स्थापना वो की गई सी। भारत की कौड़ी हाई कोर्ट विच श्रीमती लीला सेठ पहली मुख्य जज बनी सी? इंपोर्टेंट सवाल, दिल्ली के, ठीक है। कौड़ी हाई कोर्ट विच श्रीमती लीला सेठ पहली मुख्य जज बनी? दिल्ली हाई कोर्ट। इन दूजे लोट उल्टा के भी सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, कि दिल्ली की हाई कोर्ट में कौड़ी महिला सी जी पहली मुख्य जज बनी सी? तो वह जवाब होगा श्रीमती लीला सेठ। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च अदालत का चीफ जस्टिस कौन नहीं सी? इन्हों जो तीन जने रहे ने, मास्टर ग्रेड के आया हुआ सवाल आ, कि चीफ जस्टिस हुण तक नहीं रहा, ठीक है जी, कि नहीं रहा जी? ए एन रे ये भी रहे ने, एम एच बेग भी रहे ने, पी एन भगवती रहे ने, एम सी सीतलवाड़े नहीं रहे, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है जी, जिले का सर्वोच्च न्यायाधिकारी कौन होंगे? जिले का सर्वोच्च न्यायाधिकारी कौन होगा जी? जिला ते सैशन जज। अगला क्वेश्चन है जी, न्यायपालिका दी विधान पालिका दे कानूनां जां कार्यपालिका दे आदेशां नूं रद्द करन दी शक्ति नूं की कहिंदे ने? की कहिंदे जी? न्यायिक पुनर्निरीक्षण, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आ गया जी, पंचायती राज का उद्घाटन सब तो पहला किहड़े राज विच होया? बहुत इंपोर्टेंट सवाल है, पंचायती राज का उद्घाटन किहड़े राज दे विच कीता गया जी? पहला यह राजस्थान दे विच कीता गया जी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की व्यवस्था 1992 कि संविधानक सोध राही की गई सी? पंचायती राज की व्यवस्था आप पढ़ते हैं ना, यही 73वीं संविधानक सोध राही पंचायती राज की व्यवस्था की गई सी। तो अनुसूची कड़ी है? ये 11वीं पंचायतों से संबंधित है, ठीक है ना। 12वीं है जी वो नगरपालिका के संबंधित है, वो अगली शोध है जी, 74वीं शोध, ठीक है। क्वेश्चन आ गया, भारत में नगरपालिका की व्यवस्था 74वीं संविधानक सोध राही कदों की गई, ठीक है। एक दा सवाल का जवाब सवाल के बिच ही पिया कि नगरपालिका की व्यवस्था 74वीं संविधानक सोध राही की गई है, तो कदों की गई है जी? कदों की गई है? 92 दे विच, ठीक है, 1992। अगला क्वेश्चन आ गया जी, बलवंत राय मेहता कमेटी किस नाल संबंधित है जी? ये किहदे नाल संबंधित है? पंचायती राज दे नाल। अगला क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता कमेटी ने किस तरह तीन पद्धरी पंचायती सिस्टम की सिफारिश की? किहड़े तीन पद्धरी? कहिंदे भी तीन पद्धर ते होणा, पिंड पद्धर ते ग्राम पंचायत, ब्लाक पद्धर ते पंचायत समिति, जिला पद्धर ते जिला परिषद। उपरोक्त सारे साडा राइट आंसर बन गए। अगला क्वेश्चन है जी, सब तो पहली बार पंचायती राज की स्थापना राजस्थान च की गई है ना, कदों की गई सी? ये भी पुछ लिया गया। ये है जी 2 अक्टूबर नूं गांधी के जन्मदिन वाले दिन 1959 नूं, ठीक है जी, 1959। अगला क्वेश्चन है जी, दूजे नंबर ते पंचायती राज की स्थापना करने वाला भारत का किहड़ा राज है? पहले नंबर ते राजस्थान आ गया, कदों की गई है? 2 अक्टूबर 1959 नूं। तो हुण दूजे नंबर ते पंचायती राज की व्यवस्था करने वाला किहड़ा राज है जी? आंध्र प्रदेश, उस साल ही 1959 दे विच आंध्र प्रदेश, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है जी, पंचायती राज नाल संबंधित कमेटी किहड़ी है? पंचायती राज नाल संबंधित बलवंत राय मेहता कमेटी भी पंचायती राज नाल संबंधित है, अशोक मेहता कमेटी भी, जी वी के राव कमेटी भी। इन्हां कमेटियां बारे भी एक स्पैशल वीडियो बनावांगे आपां, ठीक है ना। पंजाब के सारे पेपरां लई तुहानूं दस्सिया भी ये वीडियो देखनी जरूरी है। चंगी सरकार आ गई हुण, ठीक है, मैं बहुत चंगा मानता, चाहे तुसीं किसी भी पार्टी नाल संबंध रखते हो, मैंने इस गल नाल कोई मतलब नहीं। जिहड़ी बेरोजगारां बारे सोच रही है आउण सारी, नहीं तां असीं 5 साल पिछे चले जाने भी, जे 5 साल बाद गई हुण तां गल, ठीक है ना, किसी भी जॉब की, क्योंकि 5 साल बाद जो वोटा आदियां ने उदी कोई नौकरी क्ढ़ी जाती है, उदी कोई संभावना होंगी है। पर इन्हां ने आने सार महकमे भर्तियां करनिया शुरू करती हैं, इस करके ही अपनी ये तैयारी है जी हूँ आप कर रहे हैं। सो इनू ठंडा नहीं पैन देना, ठीक है ना, इस तरह माहौल थोड़ा गर्म करके रखना।
ਨਿੱਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਚੱਲਣਾ। ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਏ ਟੂ ਜੈੱਡ ਜੀ ਕੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਪੋਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਪੇਪਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਈਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਉਣੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਣੀ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਓਕੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਵਾਲਾ ਆਈਕਨ ਦੱਬ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MCQ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਜੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਟੋਪਿਕਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਚ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਟੋਪਿਕ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਉਹ ਟੋਪਿਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ PSTET ਦੀਆਂ ਵੀ ਪਲੇਲਿਸਟਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ PSTET ਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਾਸਟਰ ਗ੍ਰੇਡਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਗ੍ਰੇਡਰ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਮਾਸਟਰ ਗ੍ਰੇਡਰ SST ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।